हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टूसेस। आज के इस वीडियो में हम CUET से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कोई भी अपडेट जैसे ही हम लाते हैं वो तुरंत आप तक पहुँचे। क्योंकि आपकी काउंसलिंग से लेके आपके एडमिशन तक और उसके बाद फिर नए सेशन से लेके सब कुछ, सारे इम्पॉर्टेंट अपडेट हम आपको देंगे। सब जगह आपकी मदद करने के लिए ऑप्टूसेस हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा। तो इसी तरीके से सब्सक्राइब करके अपना समर्थन हमें देते रहिए, अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। हमें भी खुशी मिलती है इससे और हम इसी तरीके से मोटिवेट रहते हैं नई नई चीज़ों को लाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CUET के एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, PG के हो चुके हैं, UG के चल रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होते हैं, आपको काउंसलिंग के लिए, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन, मतलब आप जितनी यूनिवर्सिटी चाहते हैं हर यूनिवर्सिटी में एक अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको हर यूनिवर्सिटी में एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है, हर जगह आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, मतलब सारे काम रिपीटेटिव मोड पे करने होते हैं। NTA ने एक डिसीज़न लिया इस बार ही कि वो क्या करेंगे। उनका डिसीज़न था कि एक, जिस तरह से ये एग्ज़ाम एक कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है, उसी तरीके से काउंसलिंग भी एक कॉमन काउंसलिंग कराई जाए। NTA ने ये डिसीज़न लिया था इस बार के लिए, बट चूँकि एग्ज़ाम अभी लेट हो गए इसलिए इस चीज़ को शिफ्ट कर दिया गया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि इस बार, और मतलब इस बार के बच्चों के लिए तो ये खैर अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि उन्हें अभी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का पोर्टल खुलने पर उन्हें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हर यूनिवर्सिटी में जिसमें भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं। बट नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक कॉमन पोर्टल होगा जिसमें अभी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रखा जाएगा और वो यूनिवर्सिटीज़ सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आएंगी और फिर एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर, एक ही पोर्टल के अंदर सारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस न्यूज़ को कि वही बात ये बोल रहे हैं कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि NTA द्वारा एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसके स्कोर के आधार पर आप अपने मनपसंद विश्वविद्यालय और कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन अगले साल से अलग अलग पंजीकरण को समाप्त करते हुए कॉमन काउंसलिंग आयोजित किया जा सकता है और ये पहले केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लागू किया जाएगा। ये लागू इस साल ही होना था लेकिन चूंकि एग्ज़ाम लेट हो गया है इसलिए ये शैक्षणिक सत्र 2024-2025 यानी नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये लागू किया जा सकता है। एम जगदीश कुमार ने इसमें बताया ही है कि इसमें क्या होगा, अलग अलग पंजीकरण करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये ऑनलाइन मोड में आयोजित होने वाली कॉमन काउंसलिंग के जरिए सभी, अगले साल सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा। तो ये जो अब तैयारी करेंगे उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। चाहे आप UG से की तैयारी कर रहे हो या PG की तैयारी कर रहे हो, अब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। आपको एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही पोर्टल के अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, उनके अलग अलग अपने कट ऑफ आएंगे, उस हिसाब से आपको सीट अलॉट की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है, स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और चीज़ें थोड़ी आसान होंगी। तो ये अपडेट था जो आप तक पहुंचाना था। बाकी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको आइडिया है ही उसके। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो आपको क्लियर होगा कि UG का रिज़ल्ट जो है वो अब कभी भी आ सकता है, इसी वीक में आने, मतलब कभी भी आ सकता है UG का रिज़ल्ट। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, UG का रिज़ल्ट जो है वो अवेटेड है। और आप ये कहिए कि लास्ट वीक ऑफ जून में आ सकता है बिल्कुल, ये जून चल रहा है तो लास्ट वीक ऑफ जून में हम ये देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम PG की बात करें तो ये थोड़ा सा शिफ्ट होगा, ये जुलाई एंड में हम देख सकते हैं, जुलाई सेकेंड हाफ़ में हम ये बात कर सकते हैं कि सेकेंड हाफ़ में आपका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट की ही बात हो गई और ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की ही बात हो गई। अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स जो इस साल के स्टूडेंट्स हैं वो मेंटेन रखिए, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी जब शुरू होगा, जिससे आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू ना आए। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। धन्यवाद।